हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फॉल्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो नेक्स्ट मंडे से ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और इस आईपीओ अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे आ रहा है ये भी देखेंगे, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ देखेंगे इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का। और क्योंकि ये आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करने वाला, इसके अंदर इसका फाइनेंशियल वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला और साथ साथ में आईपीओ के अंदर जो को रखा गया ये और भी चीज़ें इसके अंदर है, सारी चीज़ें सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहना, कोई पार्ट मिस मत कर देना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ा ही दबा देना ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप क्वालिटी फॉल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वालिटी फॉल्स इंडिया लिमिटेड। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फॉल इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा तो एक आईपीओ नया आईपीओ है, ये स्टार्ट होने वाला है और इसके बारे में देखेंगे, इसकी डिटेल को देखेंगे, इसके अंदर क्या करना चाहिए। आईपीओ देखा तो 14 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगा ट्यूजडे नेक्स्ट ट्यूजडे से, और बात करेंगे इसकी क्लोजिंग की तो 16 मार्च को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। और बात करते हैं आईपीओ प्राइस की, तो इसके अंदर जो आईपीओ प्राइस रखा गया है 60 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखा। एक छोटा सी एसएमई आईपीओ है। आईपीओ साइज देखा है तो 4,52,00,000 का ये टोटल सब्सक्रिप्शन आने वाला है, यानी 4,52,00,000 का टोटल ये आईपीओ की साइज़ है। बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है और इसमें आईपीओ का सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और इसके अंदर जो एक लॉट का साइज रखा गया है 2000 शेयर से रखा है, मिनिमम देखा जाए रिटेल के लिए 2 लॉट रखा गया है। दो लॉट से ज़्यादा ले रहे तो दो कम से कम 2 लॉट लेना पड़ेगा जो एचएनआई से कैटेगरीज में आ जाता है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले चैनल लाइक कर दो, साथ साथ सब्सक्राइब। क्वालिटी फॉल इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में अगर देखा है तो कंपनी की शुरुआत करीब करीब 1990 में हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी देखने को मिल रही है। और साथ साथ में बात करते हैं क्वालिटी फॉल इंडिया लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर करती है एक्सपोर्टिंग एंड कोल्ड रोल स्टेनलेस एंड स्टील स्ट्रिप्स कोल्स और साथ साथ में स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल हॉसेस पाइप्स वगैरह। और सो देखते हैं बात करते हैं कंपनी के यूज़ रॉ मटेरियल एंड प्रीमियम क्वालिटी हॉट रोल स्टेनलेस स्टील कोयल स्ट्रिप मेनली फ्रॉम द जिंदल स्टील एंड हिसार लिमिटेड और हिसार टू प्रोडक्ट इट्स प्रोडक्ट। और बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी फॉर इंडिया अमंग द इंडिया प्रॉस्पेरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ कोल्ड फॉल स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप और साथ साथ में स्टेनलेस से स्टील फ्लेक्सिबल हॉज पाइप्स वगैरह। और एंटायरली द हॉज एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 3 डिकेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत पुराना देखा है तो 3 डिकेड्स नहीं 30 साल से इनको एक्सपीरियंस है। बात करते हैं कंपनी के 2 सेगमेंट दिखाया गया है इसके अंदर, कोल्ड रोल स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप और स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल हॉज पाइप्स वगैरह। बात करते हैं और भी कंपनी की। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फॉल इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा तो यह आईपीओ आने वाला है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इस आईपीओ अच्छी तरह रिव्यू किया कर रहा हूं और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ के पर्सनल वेबसाइट के बारे में। पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूं, जहां पे ये अपनी सारा प्रोडक्ट सारी चीज़ अपनी बताई गई है। फिलहाल देख लेते हैं अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करते तो स्टेनलेस स्टील कोयल एंड स्टील प्रीसियस स्ट्रिप और स्टेनलेस स्टील टूब स्टेनलेस स्टील पाइप्स वगैरह ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बनाती है। फिलहाल चलो देखते हैं भी क्या डिटेल है कंपनी की वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। करते हैं डिलीवरेबल क्वालिटी ऑफ फॉल इंडिया लिमिटेड द ऑफर अंडर ब्रांड नेम क्वालिटी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी द फर्दर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसएस ट्यूब्स पाइप्स और स्टेंसिल कैटलेरी किचन सिंक और स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल हाउसेस वगैरह। और बात करते हैं कंपनी के और भी डिटेल में, फर्दर यूज़ ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ होता है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एंड फ्लेक्सिबल हाउस पाइप्स एंड मेजर अप्लीकेशन सच एज हाई टेम्प मीडियम प्रेशर फॉर हाइड्रोलिक ऑयल हॉट वाटर स्टीम गैस अप्लीकेशन केमिकल रेजिस्टेंट एंड एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह ऑफ द स्टील्स ऑफ पावर पेट्रोकेमिकल शुगर ऑटो और मोबाइल एंड मेनी अदर्स हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर वगैरह के अंदर यूज़ होता है। चलो देखते हैं कंपनी की और भी क्या फाइनेंशियल वगैरह वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फॉल इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल के बारे में। तो देखा जाए तो मार्च 2020 में टोटल कंपनी की असेट थी करीब करीब 66 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 152 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 1,07,00,000 का। नेटवर्थ कंपनी की थी 17 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो कंपनी के पास करीब करीब 16 करोड़ का था। और मार्च 2021 के बारे में बात करते तो 65 करोड़
करोड़ की टोटल असेट थी, टोटल रेवेन्यू आया था 124 करोड़ का, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95 लाख का आया था। बात करते हैं नेटवर्थ की, जो करीब करीब कंपनी की 19 करोड़ की नेटवर्थ थी, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 17 करोड़ का हो गया था। और मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो टोटल असेट थी 78 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू 180 करोड़ का हो गया था। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 1 करोड़ 61 लाख का प्रॉफिट आया था। और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 20 करोड़ की। और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो करीब करीब कंपनी के पास 19 करोड़ का अभी भी रिजर्व एंड सरप्लस है। बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो सितंबर क्वार्टर में टोटल असेट हो गई थी कंपनी की 71 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 104 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 2 करोड़ का हो गया था। और बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की, तो 22 करोड़ की नेटवर्थ हो गई थी, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया था करीब करीब 20 करोड़ का। चलो देख लेते हैं कंपनी की अगर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। 1 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट 3 साल में 2 करोड़ का हो गया। और बात करते हैं इसके टोटल रेवेन्यू की, तो 152 करोड़ से डायरेक्ट 180 करोड़ का इनका टोटल टर्नओवर हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बढ़ते बढ़ते करीब करीब 130 देखा जाए तो 16 करोड़ से डायरेक्ट 18 और 19 करोड़ का हो गया। फिलहाल देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में 20 करोड़ से 21 करोड़ का इनका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। और बात करते हैं आईपीओ लाने के मेन रीज़न क्या, वो भी देखते हैं। कंपनी का मेन रीज़न जो बताया जा रहा है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है, इनको एक नई परचेज करना है मशीनरी, और साथ साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो हर कंपनी में रहता है, और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। चलो आईपीओ की मेन डेट वगैरह क्या वो देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में बात करते हैं क्वालिटी फॉर इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दिखाए तो ये आईपीओ 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 16 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला है, जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया है। आईपीओ प्राइस 60 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, 2000 शेयर्स एक लॉट के अंदर रखा गया है, मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है। इशू साइज देखा जाए तो 4 करोड़ 52 लाख का ये आईपीओ है, और पूरा एक पूरा फ्रेश इशू रखा गया है 4 करोड़ 52 लाख का। और बात करते हैं साथ साथ में इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो ये हमको NSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक SME आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। बात करते हैं इसके अंदर कोटे की, तो इसके अंदर भी 2 कोटा रखा गया है, जो HNIs का कोटा रखा गया है वो 50% रखा गया है, और जो रिटेल का कोटा रखा गया है वो भी 50% रखा गया, नहीं कह सकते दोनों का 50-50% कोटा रखा गया है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की मेन टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह। बात करें क्वालिटी फॉर इंडिया लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, तो जिसके देखा जाए 14 मार्च 2023 इसका ओपनिंग होने वाली है, और साथ साथ में 16 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद मेन डेट आती है अलॉटमेंट की, तो हमको इसका अलॉटमेंट 21 तारीख को इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, कि 21 तारीख को इसके अंदर अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। बात करते हैं रिफंड की, तो ये आईपीओ हमको रिफंड होता हुआ दिखाई देगा 22 तारीख को, और साथ साथ में डीमैट अकाउंटों में हमारे 23 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग हमको इसके अंदर 24 मार्च 2023 को ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। चलो बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर लॉट साइज़ की, हम बात करें क्वालिटी फॉर लिमिटेड इंडिया आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट ले सकता है रिटेल, जिसके अंदर करीब करीब 2000 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,20,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा लेना चाहेंगे तो करीब करीब 2 लॉट आएगा, जिसके अंदर HNIs को पे करना पड़ेगा, करीब करीब HNIs कैटेगरीज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर 4000 शेयर्स मिलेंगे, टोटल अमाउंट हो जाएंगे करीब करीब 2,40,000 हो जाएंगे। इसके अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो 72% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग अभी फिलहाल है। आईपीओ आने के बाद कितनी होगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ में बेल आइकन की बढ़ाई दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके क्वालिटी फॉर इंडिया लिमिटेड के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।